तो दोस्तों, ये रास्ता जितना आसान आपको दिखता है उतना आसान है ये है नहीं। यहाँ से नज़ारे बहुत ही सही है और बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट्स यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आप ले सकते हैं। बहुत सही इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर है और यहीं पे पास में ही है पन्ना मीना की कुंड। ये कैफे है हवा महल के अपोजिट में ही। तो ये छोटे छोटे खिड़कियाँ हवा महल में इसलिए बनाई गई थी क्योंकि बहुत साल पहले यहाँ पर्दा प्रथा थी, मतलब यहाँ की औरतें खुलकर अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी। तो दोस्तों, ये मैं पहुँच गया हूँ आमेर फोर्ट। जयपुर सिटी से आपको आमेर फोर्ट पहुँचने में करीब 20 से 30 मिनट लगते हैं और अगर आप बस या फिर टैक्सी लेते हैं तो 30 रुपये पर पर्सन किराया होता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो आमेर फोर्ट का किला है। आमेर फोर्ट चलेंगे लेकिन उसके पहले मैं चलता हूँ अभी आमेर फोर्ट के अपोजिट में ही है व्यू पॉइंट, दिखाता हूँ वहाँ से आमेर फोर्ट का पूरा नज़ारा दिखता है। वहाँ ऊपर कहीं जाना होगा तो पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद आमेर फोर्ट चलेंगे। दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं ये जाता है व्यू पॉइंट की तरफ। मैं नीचे रास्ता दिखाता हूँ किस तरीके का रास्ता है। वो है आमेर फोर्ट और ये है इसके रास्ते। इधर चलते हैं। A few moments later. तो दोस्तों, ये रास्ता जितना आसान आपको दिखता है उतना आसान है ये है नहीं। अभी मैं आधे रास्ते ही आया हूँ, अभी और ऊपर जाना है व्यू पॉइंट के लिए, लेकिन नज़ारे एकदम बवाल है। 2 hours later. हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच गए। ये मेरे पीछे आप देखिए, वहाँ पे आपको वॉच टावर दिख रहा होगा, वहाँ तक जाना है। अब बस कुछ 100 सीढ़ियाँ ही बची हुई है। हम लोग ऊपर आ चुके हैं आमेर फोर्ट के व्यू पॉइंट पे एंड रियली आई फील लाइक अ किंग। जी हाँ, मैं एक राजा की तरह महसूस कर रहा हूँ क्योंकि नज़ारे ही इतने सुंदर है। यहाँ से पूरा आमेर सिटी, आमेर फोर्ट नज़र आता है एंड दिस इज़ अ वन टाइम एक्सपीरियंस। अगर आप आमेर फोर्ट आते हैं तो अगर आपको आमेर फोर्ट का बहुत ही अच्छा व्यू चाहिए तो यहाँ ज़रूर आए। अब व्यू कैसा है अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये यहाँ से लेक स्टार्ट होता है, वो आमेर फोर्ट का पूरा व्यू जूम करके दिखाता हूँ। आमेर फोर्ट जाने का रास्ता है, गार्डन उसका और ऊपर में फोर्ट। यहाँ से आमेर फोर्ट का पैनोरामिक व्यू मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको फ़ोटोशूट वगैरह करवाना है या फिर आप लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी के भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस जगह पे आ सकते हैं। यहाँ से नज़ारे बहुत ही सही है और बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट्स यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये पीछे देख सकते हैं, ये शॉट आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा। और अगर आप इधर देखते हैं तो ये यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फ्रेम बन रहा है। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाता हूँ। इस तरफ सिटी है, अगर लेफ्ट साइड आएँ तो आपको आमेर फोर्ट दिखेगा। ये भी शॉट बहुत ही सही है। ये है आमेर फोर्ट का टैक्सी स्टैंड, यहीं पे आपको बस या फिर टैक्सी उतारती है। अब यहाँ पे जब आप पहुँचते हो तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा जीप लगा हुआ है। ये जीप वाले आपको बोले हैं कि आपको आमेर फोर्ट तक का जीप का राइड मिल जाएगा 500 रुपये पूरे जीप का। तो अगर आप चलने में सक्षम है तो आप मना भी कर सकते हो क्योंकि चलने वाला रास्ता शॉर्टकट रास्ता है, जो जीप का रास्ता है वो थोड़ा लॉन्ग कट है। तो आप आराम से आधे घंटे में वॉक करके ऊपर पहुंच सकते हो, उतनी भी कठिन चढ़ाई नहीं है। तो ये मैंने आमेर फोर्ट पे एंट्री कर ली है। यहाँ पे आपको एंट्री करते ही एक बाग मिलेगा जिसका नाम है दिलाराम बाग, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों,
यहाँ पे आमेर फोर्ट के एंट्री पे ही हमने गाइड किया है। ये गाइड का रेट करीब 200 रुपए होता है, लेकिन हमें 50 रुपए में वो मान गए। उसमें आमेर फोर्ट आपको यहाँ से पैदल ऊपर ले जाएंगे समझाते हुए कि क्या क्या आ रहा है, और उसके बाद आमेर फोर्ट से जीप से आपको पन्ना मीना की कुंड ले जाएंगे। तो चलिए अब उन्हीं से समझते हैं आमेर फोर्ट। हाँ बताओ। देखिए मोस्ट वेलकम है सर आप लोगों का। आप जिस पैलेस को देखने आए इसे बोलते हैं अंबेर पैलेस। ये अकबर का ससुराल है, जोधा का मायका है। 1519 में राजा भारमल ने इसका नेम रखा है। उसके बाद में जयसिंह है, मिर्जा जयसिंह और मानसिंह, इन 4-5 पीढ़ियों ने मिलकर इसको तैयार कराया। तैयार होने में 137 साल लगे इसको। कितना? 137 साल, 137। ये बाउंड्री देख लेना आप लोग। ये देखो सर, ये बाउंड्री पूरी की पूरी 12 किलोमीटर में बनी हुई बाउंड्री है। 3 फोर्ट को ये कवर करता है। पहला फोर्ट है आमेर पैलेस, दूसरा नारगढ़, तीसरा जयगढ़। आमेर और नारगढ़ ये दोनों गवर्नमेंट के अटेंडिंग आता है, मतलब इससे जो इनकम होती है गवर्नमेंट को जाती है। जयगढ़ फोर्ट वो है सामने, देखो वो जयगढ़ फोर्ट है। आज भी उसका इनकम शाही परिवार को जाता है। और देखो दो फ्लैग लगे हुए हैं सर वहाँ पे। बड़ा वाला जो फ्लैग है वो एनी टाइम लगा होता है, एनी टाइम मतलब हमेशा लगा होता है। छोटा वाला जो फ्लैग है वो राजा का पहचान होता है यहाँ का होने का। अगर वो नहीं होगा फ्लैग तो इसका मतलब राजा यहाँ पे नहीं है। और जिस गार्डन पे आप लोग यहाँ खड़े हैं इसे बोलते हैं रामबाग। जस्ट नीचे बना हुआ मोहन गार्डन। दोनों बगीचे यहाँ के जो आर्टिस्ट है जिन्होंने यहाँ का नक्शा बनाया था उनकी याद में बनाया हुआ है। जिस पे जालियाँ लगी हुई है वो तो है एयर कंडीशन सिस्टम है, और जिस पे जालियाँ नहीं हमाम सिस्टम है। कब की है ये? उसी जमाने की। और उसमें भी एयर कंडीशनर होते थे? हाँ, ये नेचुरल है ना, इसको बिना लाइट वाला। अच्छा, आमेर किले में दीवाने आम मतलब हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, दीवाने खास मतलब हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, शीश महल, जल मंदिर और सुख निवास शामिल हैं। इन सब को अच्छी तरह से पूरा घूमने में आपको करीब 2 घंटे का वक्त लग जाएगा। सेकंड कोर्टयार्ड, और इसे कहा जाता है दीवाने आम। हम देखिए दीवाने आम में पब्लिक मीटिंग हॉल, तो जैसे कि आप लोगों को पता है उस समय पे मोनार्की सिस्टम था, तो कोई भी डिसीजन लेगा तो कौन लेगा? किंग। तो उस समय किंग बैठता सामने, बीच में उसके मिनिस्टर और नीचे बैठती थी लोकल पब्लिक। लेकिन जो ऊपर जो कलर जो देख रहे हैं ये सारे नेचुरल वेजिटेबल कलर है। अच्छा, ये लगभग 400 ईयर ओल्ड है। 400 साल से इस गेट को नहीं तो रेनोवेट कराया गया है, नहीं पेंटेड, ये ऐसे कैसे कलर। और वो वेजिटेबल कलर अभी तक है? फर्स्ट डांसिंग हॉल, तो डांसर अंदर डांस करते थे। उस समय किंग क्या करता, ऊपर देखता, उसको बहुत सारे डांसर नजर आते। तो मानसिंह की कमांडर ऑफ चीफ थे मुगल आर्मी की, और उनकी 12 वाइफ्स थी। तो 12 वाइफ्स के लिए बनाई उसने 12 अपार्टमेंट। इसी का होता है 12 गेट, जिसके 12 गेट हैं, और इसको यूज करती थी 12 रानियाँ। तो ये उनका डांसिंग हॉल और मीटिंग हॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सुरंग है जिसका इस्तेमाल उस समय के लोग आमेर किले से जयगढ़ फोर्ट सीक्रेटली जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ओ भाई साहब, इतनी बड़ी कढ़ाई, इसमें तो पूरे गांव का खाना बन जाए। तो दोस्तों इससे यही पता चलता है कि कितने लोग रहते होंगे इस किले में उस समय। तो आमेर फोर्ट का टूर यहाँ पर ख़त्म हुआ। आप देख सकते हैं इस किले का पिछला भाग। यहाँ से गाइड ने हमें जीप से किसी मीना बाजार नाम के दुकान में ले गए जो कि पन्ना मीना कुंड के पास में ही था, जहाँ प्रोडक्ट्स के दाम बहुत ही ज़्यादा थे। मेरी माने तो ऐसी जगह पे आप कुछ नहीं खरीदें, क्योंकि वो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट बताकर 100 रुपये का सामान 1000 रुपये में दे देंगे। यहाँ पे जितना भी आर्टिकल्स है वो सब हाथों से बना। बंद कर दीजिए सर, तो दोस्तों अभी मैं हूँ पन्ना मीना कुंड के पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे। पन्ना मीना कुंड एक तरीके का तालाब है जहाँ पानी स्टोर करके रखा जाता था ताकि गर्मियों में उसे यूज में लाया जा सके। ये इस तरीके से डिज़ाइन की जाती थी कि अगर पानी का लेयर नीचे भी चला जाए तो फिर भी वहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सके। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेपवेल है जहाँ कई टूरिस्ट डेली आकर्षक फ़ोटोज़ के लिए घूमने आते हैं। यहाँ पर एक और फोटोग्राफिक लोकेशन है, वो है मेरे पीछे ये मंदिर। ये मंदिर मैं अब आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कैसे फ़ोटोज़ आप ले सकते हैं। पास में ही है पन्ना मीना कुंड के। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी के शुरुआत में मिर्जा राजा जयसिंह एक के शासनकाल के दौरान किया गया था।
अभी ये मंदिर बहुत ही बुरे हालत में है, लेकिन फिर भी हम फोटोग्राफर्स खंडहर में भी फोटो आइडियाज़ तलाश लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस तरीके से शॉट ले सकते हैं, ये जो ऊपर का ये शॉट है ये पूरा आना चाहिए, और यहाँ पे इंसान अगर आप खड़ा हो जाए तो अच्छे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ शॉट, ये देखिए। जयपुर का पिछला वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, इसीलिए इस वीडियो को मैंने छोटा रखने की कोशिश की है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सनसेट पॉइंट की तरफ नाहरगढ़ में। ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है काली बुर्ज का,